कुटलेहड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने आज क्षेत्र की सोलह सिंघी धार में जनसंपर्क अभियान की तरह रछोह, खेड़ी, सरोह, बसातर, चमियाड़ी में डोर टू डोर चुनाव प्रचार के तहत लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया और इस दौरान टीम मुर्दू शर्मा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करती नजर आई। विवेक शर्मा ने कहा कि आपदा के समय जिस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने लोगों की मदद की, उसे साबित हो गया है कि कांग्रेस की सरकार आम जनमानस की सरकार है। उन्होंने कहा कि कुटलेहड़ में नए युग की शुरुआत होगी, जिसकी बागडोर पहले ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हाथों में है। विवेक शर्मा ने कहा कि प्रदेश को ऐसी सरकार मिली है जिसके सीएम ने आपदा के समय अपने घर को चलाने की रखी राशि और अपनी बेटियों और पत्नी के नाम करवाई एफडी को तोड़वाकर कुल 51 लाख रुपए आपदा राहत कोष में दान कर दिए। उन्होंने अपने प्रदेश की माता बहनाओं को 5100 की राशि रूपी प्यारी बहना योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालते ही सीएम सुक्खू ने बेसहारा अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनके लिए माता पिता की कमी को पूरा किया। विवेक शर्मा ने बीजेपी को खरी खरी चुनाते हुए कहा कि दूसरी तरफ डबल इंजन के पूर्व ड्राइवर जयराम आज जिस लोटस की बात करते हैं वो अभी भी सपने देख रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि आज हिमाचल में किसी विशेष व्यक्ति की बजाय आम लोगों की सरकार काम कर रही है और निरंतर 5 साल चलेगी। वहीं उन्होंने अपने विरोधी बीजेपी प्रत्याशी पर भी जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि वो तो अपने चुनावों के खर्चों को लेकर एसडीओ और एक्सीएन को फोन करवाते थे और कहते थे कि मेरा बहुत खर्च हुआ है, जिसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा की जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आज हम डोर टू डोर अभियान के दौरान जो है वो जिस क्षेत्र में है वहीं पे साथ जो है गोवसागर डैम है। गोवसागर डैम के यहाँ पर जो हम डोर टू डोर कर रहे थे तो लोगों में ने एक सवाल जो है वो दोबारा फिर खड़ा किया है कि जब 10 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है वो टूरिज्म के लिए मिला और खुद विधायक जो है उसमें उनके मौजूद थे, सरकार के जो मंत्री यहाँ पर आए, फिर ये बात कहना और युवाओं के लिए जो 15 महीने का जो हमारा जो सरकार का जो समय जो खराब किया गया उसके ऊपर जो है वो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि बात एक तरफ तो ये कहा गया हमारे यहाँ पर तो ये कहा गया था काम सरकार कर रही है, अब ये कह रहे हैं कि जो सरकार जो है वो मैं उनकी अनदेखी हुई। और साथ ही साथ मेरा एक जो प्रश्न जो मैंने कहा था कि एक प्रश्न जो है वो हम रोज का पूछेंगे, आज मेरा प्रश्न है पूर्व विधायक से कि जो 8 करोड़ का टेंडर जो लगाया गया था उसको तोड़ के बाद में जो है 13 करोड़ का जो टेंडर किया गया वो किन शर्तों के ऊपर किया गया, हालांकि जो टेंडर है जो उसका 10% से ज्यादा टेंडर की जो कॉस्ट को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो ऐसा कौन सा कारण बना जो 3-4 महीनों में जो है जिसकी कॉस्ट जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो 8 करोड़ का टेंडर जो है 13 करोड़ में किया गया। वहीं कुटलेहड़ से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सदस्य अनिल मनकोटिया ने सोलह सिंघी धार में जनसंपर्क अभियान में विवेक शर्मा और सतपाल रायजादा के लिए लोगों से वोट मांगे। वहीं विक्कू ने कहा कि सोलह सिंघी धार के मार्ग को एनएच के तहत सीधा बड़सर से धर्मशाला के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भी कुटलेहड़ में रोजगार के नए अवसर पैदा कर कुटलेहड़ के युवा वर्ग को लाभ पहुंचाया जाएगा। कुटलेहड़ को उद्योग की नजर से विकसित करने को लेकर नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे। विवेक शर्मा विक्कू ने कहा कि पानी की दिक्कत जो आज तक बनी है उसके लिए जल शक्ति विभाग के द्वारा नई स्कीमें तैयार की जाएंगी और पानी गोविंद सागर झील से उठाया जाएगा, जिसकी अनुमति सरकार के पास पहले से है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुटलेहड़ से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।